और शादी न होने के बाद भी एक शिक्षिका देखिए कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ राहुल के साथ यानी रिलेशनशिप में रह रही है, या एक शिक्षिका अगर ऐसे करेगी हमारे बिहार में तो हमारे बिहार के जो भविष्य है, जो बच्चिया उनसे शिक्षा लेती है उनका क्या होगा। या माँ आज रो रही है, बिलख रही है अपने बेटी के कारण, जो बेटी को पढ़ा लिखा करके एक ऐसे एक SSB लड़के से शादी करवाती है, नौकरी दिलवाती है, नौकरी दिलवाने के बाद जब नौकरी लग जाती है तो वही लड़की अपने माँ बाप को छोड़ करके, अपने पति को छोड़ करके रिश्ते में चाचा, जो कि एक राहुल नाम का लड़का होता है, रिश्ते में चाचा लगता है, उसके साथ फरार हो जाती है। वो बोलती है कि हमारा चाचा है। नहीं, उनका चाचा चचो भी है, या उसका भी लगा भी है, लोभरवा भी है। अच्छा, कितने दिन साथ में रहा आपकी बेटी राहुल के साथ? डेढ़ महीना। डेढ़ महीना उसके साथ रहा है जी, जी। आज गई थी तो आज आपको क्या बोली है? हम नहीं जाएंगे। देखिए, माँ को बोलिए हम नहीं जाएंगे, हम नहीं आपको पहचानते, हम नहीं जाएंगे। ऐसा बेटी पैदा करना चाहिए जी? ना, ये स्कूल से भी उनका बर्खास्त होना चाहिए जी। जो वही भी है, जो विद्यार्थी के वही शिक्षा मिलेगा तो बच्चा क्या निकलेगा। आप उनके मर्जी के खिलाफ शादी जाके कर दी, उनको लड़का का तो पसंद है नहीं ना, वो अपना पसंद से, वो अपना प्यार से, वो अपना फंसा कर शादी की है। नमस्कार, मेरा नाम सूरज पटेल है, आप बिहार SD न्यूज देख रहे हैं। कुछ दिन पहले जिस प्रकार से आप सुने होंगे कि एक BPSC टीचर, जो कि महिला टीचर, अपने माता पिता को छोड़ करके, जो माता पिता उनको एक SSB लड़का से शादी कराती है, उसके बाद जब नौकरी मिल जाती है, और यही माँ जी हैं जिन्होंने अपने बेटी को पढ़ा लिखा करके एक टीचर तो बना दिया, लेकिन इनकी बेटी इन्हीं को धोखा दे दिया, और इनको धोखा देने के बाद अब तरह तरह का बयानबाजी कर रही हैं। हालांकि अपने बेटी से मिलने आए थे, आज मुजफ्फरपुर के पकरी बसारत जो विद्यालय है, उसी विद्यालय में जो मैडम है वह करियरत हैं, BPSC शिक्षिका हैं, लेकिन वह अपने पति को छोड़ रही हैं। अपने पति को छोड़ दिए, कब छोड़ दिए? जब नौकरी मिल गया तब। आज आप आंटी जी गए थे बेटी से मिलने जी, क्या हुआ है? बोलती है कि हम नहीं जाएंगे। काहे नहीं जाएंगे? दूसरे के साथ, राहुल के साथ जो लव करती है उसके नहीं जाएंगे। अच्छा, राहुल है कौन? राहुल को अति है, चाचा है। चाचा है, लेकिन वो बोलती है कि हमारा चाचा है। नहीं, उनका चाचा चचो भी है, या उसका भी लगा भी है, अति है, लोभरवा भी है। अच्छा, आपकी बेटी की शादी कब हुआ था? 2022 में बेटी का शादी हुआ। तो उस समय उनके मन पसंद से आप शादी किए थे, लेकिन वो आरोप लगाती हैं क्या कि आप उनके मर्जी के खिलाफ शादी जाके कर दी, उनको लड़का का तो पसंद है नहीं था? ना, वो अपना पसंद से, वो अपना प्यार से, वो अपना फंसा कर शादी की है। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद कैसे कैसे यह पूरी घटना, जब नौकरी लग गया, जब वह इनका यहाँ ट्रांसफर हो गया, यहाँ जब नौकरी करने लगी मुजफ्फरपुर के पकरी बसारत विद्यालय में, उसके बाद आप लोगों से नजदीकियाँ जो कम कर दी? हाँ, कम करके सबके माने धोखा देकर, आप अति जब रिजल्ट निकला के बाद जब तनख्वाह मिली उनकी वही दिन 30 तारीख फरार हो गई, वेतन मिला के बाद। किसके साथ फरार हो गई? राहुल के साथ। राहुल जो चाचा उनके रिश्ते में चाचा लगते हैं, उनके साथ भाग गई जी। राहुल के उनके चाचा जो उनके साथ, राहुल के साथ। अच्छा, अब रहना नहीं चाहती आप लोगों के साथ जी? ना। और उनका पति उत्तर प्रदेश में ड्यूटी करते हैं, सेना के जवान है। जी, आप सेना के जवान से अपनी बेटी की शादी कर दी है, उसके बाद आपकी बेटी आपको धोखा दे दी, आपने उसको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, वो बोलती है क्या कि हम सिलाई करके पढ़े हैं जी? ना, पूरा एक साल और 4 महीना का दिन रखा ला के बाद वो पढ़ाई लिखाई पूरा राजेश की खर्चा है। जो उनका हस्बैंड है जी, जी उनका हस्बैंड पूरा राजेश की खर्चा किया है। पिताजी का भी बात नहीं मान रही है जी? ना, पिताजी की बात किसकी बात नहीं। देखिए, एक बेटी को जब बेटी पैदा लेती है ना, तो एक माँ बाप उसको पढ़ा लिखा करके बड़ी करती है, बड़ी करने के बाद एक काबिल, एक शिक्षिका बना देती है, और शिक्षिका बनाने के बाद यानी उससे पहले के SSB लड़का से शादी कर देती है, वही BPSC शिक्षिका अपने माँ बाप पति को लात मार करके, अपने रिश्ते के चाचा राहुल नाम है, वो भी शिक्षक है, और वह लड़का भी शिक्षक है जी, लड़का भी शिक्षक। वो कौन विद्यालय में पढ़ाता है? सीतामढ़ी में जी, सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी के किसी विद्यालय में वह जो पढ़ाता है, जो राहुल नाम का लड़का है, रिश्ते में चाचा लगता है, हालांकि वह किसी प्रकार से उस लड़की को कन्वर्ट करके अपने जाल में फंसा लेता है नौकरी होने के बाद, और कहीं ना कहीं उसके साथ फरार भी, गुम भी हो गया था। कितने दिन साथ में रहा आपकी बेटी राहुल के साथ? डेढ़ महीना। डेढ़ महीना उसके साथ रहा है जी, जी। आज गई थी तो आज आपको क्या बोली है? हम नहीं जाएंगे। देखिए, माँ को बोलिए हम नहीं जाएंगे, हम नहीं आपको पहचानते, हम नहीं जाएंगे। बताइए, जो माँ पैदा किया है उसको BPSC शिक्षिका है, स्कूल में पढ़ा रही है, सबसे पहले तो उनको स्कूल से निकाल देना चाहिए।
सबसे पहले उनको स्कूल से निकाल देना चाहिए। वो क्या शिक्षा देती होंगी अपने विद्यालय में, जो मैडम खुद अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दी है, वह मैडम दूसरे बच्चों को शिक्षा कैसे देती होगी? यह सवाल है। क्या बोलिए कि हम नहीं पहचानते आपको? नहीं नहीं पहचानते, नहीं पहचान, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। आप बहुत मनाए होंगे? बहुत मनाएंगे, बाबू दादा दारी मुझे सब कुछ किए, लेकिन कहती है कि हम नहीं जाएंगे आपके पास, हम नहीं रहेंगे आपके पास, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। किसके पास रहेंगे? राहुल के पास रहेंगे जी, जी। राजेश जो उनका पति है, एसएसबी जवान है, उनके साथ नहीं रहेंगे? जी ना, राजेश के पास नहीं रहेंगे। अच्छा, शादी से पहले से उन राहुल से उनका चक्कर चलता था या शादी के बाद? शादी के बाद उतना पता नहीं। आप लोगों को कब पता चला? जब वह भाग गई तब? शादी के बाद। शादी के बाद पता चला। हालांकि शादी में जिस प्रकार से एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें लड़का लड़की आपस में डांस कर रही थी स्टेज पे, जी, जी, लेकिन वह आरोप लगाती है कि मेरी माँ ने मेरी शादी मेरे मन पसंद के लड़का के साथ नहीं की थी, इस कारण से हम उस लड़का के साथ नहीं रहे। वो अपना पसंद से शादी थी। हाँ, अपना पसंद से सब कुछ करके घूमने फिरने भी सब खाना पीना बहुत अच्छा से रहती थी। जॉब भेला के बाद, यानी नौकरी होने के बाद, नौकरी भेला के बाद लड़का जाल में फंसा लिया। अच्छा, हाँ भाई माँ सब ना पूरा पूरा फैमिली है, पूरा पूरा फैमिली, हाँ, पूरा फैमिली की हमारा माँ बाप के भाई के तरफ से माने सब माने ताकने से इनकार करती है। हाँ जी, यानी अब ना अपने माँ को पहचान रही है, ना अपने पिताजी को पहचान रही है, ना अपने हस्बैंड को पहचान रही है। बीपीएससी शिक्षिका है और राजकीयकृत मध्य विद्यालय पकरी बसारत में उनका पोस्टिंग है। तमाम मीडिया वालों से निवेदन है कि यह माँ आज रो रही है, बिलख रही है अपने बेटी के कारण, जो बेटी को पढ़ा लिखा करके एक ऐसे एक एसएसबी लड़के से शादी करवाती है, नौकरी दिलवाती है, नौकरी दिलवाने के बाद जब नौकरी लग जाती है तो वही लड़की अपने माँ बाप को छोड़ करके, अपने पति को छोड़ करके रिश्ते में चाचा, जो कि एक राहुल नाम का लड़का होता है, रिश्ते में चाचा लगता है, उसके साथ फरार हो जाती है। वह लड़की अभी भी मुजफ्फरपुर के पकरी बसारत विद्यालय में शिक्षिका है।